हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेस के बारे में। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोस्ट नेटल पीरियड होता क्या है। पोस्ट नेटल पीरियड वो होता है चाइल्ड बर्थ होने के बाद का पीरियड। इस वीडियो में हम एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसी एक्सरसाइजेस जो हेल्प करेगी हमें स्ट्रेंथन करने में हमारी बैक मसल्स, हमारी एब्डोमिनल मसल्स और पेल्विक फ्लोर की मसल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से। पहली एक्सरसाइज में आपको अपने हाथ डायफ्राम के पास रखने हैं, अपने एब्डोमेन से जस्ट ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और मुंह से फूंक मार के छोड़नी है। कैसे करेंगे ये? ये हो गई पहली। सेकंड पोजीशन में आपको हाथ अपने चेस्ट के अराउंड रखने हैं। इसमें भी ब्रीथ करने का प्रोसेस सेम रहेगा। नाक से लेंगे लंबी गहरी सांस और मुंह से फूंक मार के छोड़ेंगे। अपने हाथ ऐसे प्लेस करेंगे, नोज के थ्रू ब्रीथ करेंगे और माउथ के थ्रू ही एक्सहेल करेंगे। अब हम एक्सरसाइजेस करेंगे अपनी बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। पहली एक्सरसाइज है पेल्विक ब्रिजिंग। इसको हम स्विस बॉल के साथ परफॉर्म करेंगे। अपने पैर आप इस पे प्लेस करेंगे, बॉल को पैर से संभालना है और अपनी बैक को लिफ्ट करना है। लिफ्ट करेंगे तो 10 सेकंड तक इसे होल्ड करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पेल्विक रोलिंग। इसमें जहाँ आपके पैर जाएंगे, फेस आपका उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। कुछ सेकंड हम इसको होल्ड करेंगे, फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कीगल्स एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको इसी पोजीशन में लेटना है, नीज़ आपकी बेंडेड रहेगी। और इसमें क्या करना है, जिस तरीके से हम अपना यूरिन को होल्ड करते हैं उस तरीके से अपनी वजाइनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। 10 सेकंड के लिए उसे होल्ड करना है और फिर उसे रिलैक्स कर देना है। ये आपको रिपीट करना है 10 टाइम्स के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपके वजाइनल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। इसमें एक टावल की ज़रूरत पड़ेगी। टावल को आपको इस तरीके से रोल करना है, अपनी नीज़ के बीच में प्लेस करना है। टावल को अब आपको एक एंड को अपनी तरफ रखना है, अपनी तरफ खींचने के लिए। अब इस एक्सरसाइज में हम टावल को नीज से प्रेस करेंगे और उसी के साथ अपनी तरफ उसको खींचेंगे। 10 सेकंड तक परफॉर्म करेंगे और फिर इसे रिलैक्स कर देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हम परफॉर्म करेंगे हमारे एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। इसमें सबसे पहले हम करेंगे फ्रंट क्रंचेस। इसमें आपको सेम पोजीशन में रहना है, बैक स्ट्रेट रहेगी, पैर आपके फोल्डेड रहेंगे। आपको अपनी नेक को पीछे से सपोर्ट करना है और आगे की तरफ उठना है। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे कुछ सेकंड के लिए, रिलैक्स। दूसरी एक्सरसाइज में हम करेंगे साइड क्रंचेस। इसमें भी पोजीशन सेम रहेगी, बट हम जैसे अभी फ्रंट में उठ रहे थे, हमें साइड की तरफ उठना है। ये है कुछ इजी एक्सरसाइजेस आपके पोस्टनेटल पीरियड के लिए, जो आपको बेनिफिट करेगी आपके इम्पॉर्टेंट मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। आप इसे फॉलो करें और दिन में 2 टाइम परफॉर्म करें। थैंक यू।